वेलकम टू टेक इन। माई नेम इज़ एम के। एम के मीन्स मेहुल कुमार। एंड दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक का पासवर्ड रिसेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आप फेसबुक का पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उसका तीन मेन रीज़न हो सकता है, या तो आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, या तो आपका अकाउंट हैक हो चुका है, या तो आपने लॉन्ग टाइम से आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा, मेरा भी अकाउंट का पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको करके बताऊंगा। उसके बाद आप वही स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपका भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे। अगर आपको नया अकाउंट बनाना है तो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, अदरवाइज आपको फॉरगेट पासवर्ड कर देना है। तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, सॉरी यूज़र आईडी डाल देता हूँ। अगर आप चाहो तो ईमेल आईडी डाल सकते हो, या तो यूज़र आईडी, जो भी आपके पास जो भी चीज़ हो। देखो, ये कर दिया। अभी मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करूँगा। इससे पहले नीचे दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्रिएट ए न्यू अकाउंट दिखाई देगा। तो मैं फॉरगेट पासवर्ड कर दिया। यहाँ पे मुझे एक परमिशन मांग रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में वो परमिशन नहीं आएगी, तो फिक्र करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं नोट नाउ कर दूंगा। देखो, यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिला है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। आपके पास अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर से कीजिए, मेरे पास ईमेल आईडी है तो मैं ईमेल आईडी से करूँगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ और मैं ईमेल आईडी डाल के अपना अकाउंट ओपन करने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालूंगा। तो मैंने अपने ईमेल आईडी डाल दिया है। अब फाइंड योर अकाउंट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं कि आप कोड के थ्रू ईमेल के कोड के थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर मैं कोड के थ्रू ओपन करना चाहता हूँ या पासवर्ड डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अदरवाइज नॉट यू पर क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पे कोड के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोड पर क्लिक करूंगा। और एक बात बताऊँ, ये जो नोट यू है उसका मतलब कि ये अकाउंट आपका नहीं है। अगर ये अकाउंट आपका नहीं है तो आप यहाँ पे नोट यू करके फिर से आपका अकाउंट फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ये अकाउंट मेरा ही है तो मैं यहाँ पे नोट यू नहीं करूँगा, कोड वाया ईमेल थ्रू करूँगा। तो मेरा यहाँ पे मैं उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे एक दूसरा और ऑप्शन है, जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने लॉन्ग टाइम से आपका अकाउंट नहीं ओपन किया है। तो अगर आपने लॉन्ग टाइम से अपना आपका अकाउंट एक्सेस नहीं किया है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। अभी वाला सिंपल वाला जो फॉरगेट वाला ऑप्शन है उस पर फोकस करते हैं और उसी तरह से हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोड वाया थ्रू क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू क्लिक करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि मेरी ईमेल आईडी पे एक पिन कोड और एक लिंक दिया हुआ है, जहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट अपना फॉरगेट पासवर्ड की क्लिक कर सकता हूँ। और अदरवाइज मैं कोड डालना चाहूँ तो मेरे ईमेल आईडी पे जो मैसेज है वो उसमें 6 अंक का जो कोड है, पिन कोड, वो यहाँ पे डाल के भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ अपनी ईमेल आईडी में, वहाँ से कोड लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि मेरा फेसबुक का पासवर्ड फॉरगेट हो जाए। ठीक है, तो मैं अपना ईमेल आईडी खोल के उधर से पिन नंबर ले लेता हूँ। तो ये मेरी ईमेल पे एक पिन नंबर आ चुका है, मैं यहाँ पे कॉपी करके उसको अभी उधर फेसबुक में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया है और कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे बता दिया है कि आप नया पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉरगेट पासवर्ड हो चुका है, तो मैं अभी यहाँ पे नया पासवर्ड डालूंगा। हालांकि मैं पासवर्ड अभी सेव कर लूँगा ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम याद रहे। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है। तो देखो यहाँ पे मुझे बताया है कि ये हमारा पासवर्ड है जो मैंने अभी डाला हुआ है, तो आप रिमेम्बर कर लीजिए। तो देखो ये लॉगिन भी हो रहा है, तो ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे मुझे अपना अकाउंट का डिटेल बता रहा है कि क्या आप विदाउट डाटा पे, मतलब कि फ्री पे आप 20 MB तक यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे। तो मुफ्त का है तो मैं कंटिन्यू पे ही क्लिक करूँगा। तो ये प्रोसेस हो रहा है,
और यहाँ पे देखो मुझे एक और पूछ रहा है, एक लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, लेकिन मुझे देना नहीं है तो मैं यहाँ पे दे नहीं करूँगा। अगर आप देना चाहते हैं तो आप अलाउ कर दीजिए। और यहाँ पे मुझे मोड सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है कि आप टेक्स्ट मोड पे यूज़ करना चाहते हैं या अपना डाटा यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट मोड पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ये यहाँ पर हो चुका है मेरा टेक्स्ट मोड पर। यहाँ पर मुझे फ़ोटो नहीं दिखेगा, मतलब कि फ्री में यूज़ कर सकता हूँ VSMB तक। ठीक है, ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि आपको ये प्रोसेस पूरा पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।